नमस्कार दोस्तों, कोई फेस्टिवल हो, कोई ओकेजन हो, तो हम पुलाव को कैसे भूल सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ मटर पनीर पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने यहाँ पे 2.5 कप चावल लिया है, यानी कि 2.5 कप। ये बासमती चावल है, पुलाव बनाने के लिए इसे ही लेंगे। इन्हें 3-4 पानी अच्छे से धो लेंगे। अब चावलों को 25 से 30 मिनट के लिए भिगाएंगे। जब तक चावल सोख हो रहे हैं, हम गैस की तरफ चलते हैं। पुलाव बनाने के लिए हमेशा एक खुला बर्तन लें। तो मैंने एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ाया है और उसमें 2 टेबल स्पून घी डाला है। आप चाहें तो रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। घी के गरम होते ही इसमें पनीर के पीसेस डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। पनीर को कढ़ाई में सेट करने के 1.5 मिनट बाद इसे पलटेंगे। पनीर को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करेंगे। पनीर के दोनों साइड से ब्राउन होने के बाद इसमें काजू डालेंगे। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून काजू डाला है। पुलाव में काजू डालना ऑप्शनल है, लेकिन काजू डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है और ये देखने में भी अच्छा लगता है। काजू बहुत कम समय में रोस्ट हो जाते हैं, तो इन्हें तेल या घी में पहले फ्राई करके निकाल लें। मैंने इन्हें पनीर पकने के बाद डाला है, क्योंकि दोनों का कुकिंग टाइम एकदम अलग है। अब इन्हें 1 मिनट और पकाएंगे। काजू और पनीर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अलग अलग टेम्परेचर पे पकने वाली चीजों की टाइमिंग सही रखने की वजह से ये अच्छे से फ्राई हुए हैं। आप चाहें तो पनीर को हल्दी, नमक और लाल मिर्च डालकर भी फ्राई कर सकते हैं। पनीर रेडी है, तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब सेम बर्तन में 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद उसमें 2 तेज पत्ता डालेंगे। तेल में कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 1 टीस्पून शाही जीरा लिया है, आप इसकी जगह सिंपल जीरा भी ले सकते हैं। 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा चक्रफूल का, 2 लौंग, 4 काले मिर्च, 2 हरी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। इसे तेल में डाल देंगे। अब मसालों को हल्का सा सौते कर लेंगे। 2 हरी मिर्च को लंबाई में काट के डालेंगे। प्याज डालेंगे, तो मैंने 2 प्याज को लेंथ वाइज काट के डाला है। अब प्याज को 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसका कलर बदल जाना चाहिए। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखिए प्याज का कलर बदल चुका है। बस इसे इतना ही पकाएंगे। अब इसमें मटर डालेंगे। तो मैंने यहाँ 1 कप फ्रोजन मटर लिया है। फ्रोजन मटर को पकाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, इसे बस हल्का सा फ्राई करेंगे। यदि आपने फ्रेश मटर ली है तो उसे पहले पका लें। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके वापस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे आपको मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने जितने चावल लिए हैं उतना ही पानी डाला है। मैंने इसमें 2.5 कप पानी डाला है, यानी कि 2.5 कप। चावल अच्छे से भीगे हुए हैं, इसलिए इसमें इतना पानी सफिशियंट है। पानी का मेजरमेंट डिपेंड करता है कि आप कौन सा चावल यूज़ कर रहे हैं। और यदि आप फ्रेश मटर ले रहे हैं, तो उसे पकाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना होगा। अब इसमें नमक डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे। तो मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाला है। अब सारी चीज़ों को मिला लेंगे। स्टार्टिंग के 3-4 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। फिर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बर्तन को कवर कर देंगे। 15 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। मैंने इसे बीच में 2 बार चेक भी किया था, याद रहे इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए चावल कितने अच्छे से पक चुके हैं। तो इसमें 1/2 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से पुलाव का टेस्ट बढ़ जाता है। और अब लास्ट में इसमें फ्राई किए हुए काजू और पनीर डालेंगे। इन्हें चावलों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और अब गैस ऑफ करके 10 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे।
10 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे और ये देखिए मटर पनीर पुलाव बनकर तैयार है। चावल के एक एक दाने एकदम अलग हैं। पुलाव बनाते समय यदि कुछ सावधानियां रखेंगे तो आपके पुलाव भी अच्छे बनेंगे। चावल में पानी की मात्रा चावल के अकॉर्डिंग डालें और चावलों को लो फ्लेम पे सही टाइमिंग तक पकने दें। जैसे मैंने 2.5 कप चावल यूज किया है तो इसे पकाने में मुझे 15 से 17 मिनट लग गए हैं और 10 मिनट के लिए मैंने इन्हें लास्ट में कवर भी किया था। बस यही कुछ टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप मजेदार मटर पनीर पुलाव बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।